नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पंपोर आतंकी हमले में खुलासा, हमले के पीछे हाफिज सईद के दामाद खालिद वलिद का हाथ। सूत्रों के मुताबिक भारत में बैठे हैंडलर से संपर्क में था वलिद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान एक आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर वार, कहा मोदी के मन की बात कड़क चाय की तरह, काले धन को लेकर भी उठाए सवाल। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इंजीनियर से गैंगस्टर बने कुमार पिल्लई को 15 साल बाद भारत लाया गया। पिल्लई पर हत्या के करीब 8 मामले हैं दर्ज। समाज सेवी अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल से रिश्ता खत्म, अन्ना बोले अब ताल्लुक नहीं। यमन के मकुल्ला शहर में आत्मघाती हमला, हमले में 42 लोगों की मौत, आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी से अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की गुहार, मेसी से इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।